अब हमें इजाजत दीजिए, जमील इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अम्मी, मुझे मोमिन से मिलना है। अबा, आप नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं गए? अब जाते तो भाई को साथ ले आते। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारा बाप इतना मजबूत है कि लोगों के सवालों का जवाब दे सके, उनका सामना कर सके? खाला, पहले इससे ये तो पूछ कि ये वो मोमिन है भी या नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक दफा मेरी बात सुन लीजिए, कोई भी इल्जाम धरने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लीजिए। हमने तुम पे कोई इल्जाम नहीं धरा, तो हम सारी उम्र इल्जामात का जवाब देते रहेंगे। ऐसा क्यों किया मोमिन? कैसे यकीन कर लिया है आप लोगों ने? कैसे यकीन कर लिया है इस सब चीजों? यूनिवर्सिटी से पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से घर, हर फर्द मुझे गुनहगार मान रहा है। मेरी तो आखिरी उम्मीद थी कि मुझे अपनों को कोई सफाई नहीं देनी पड़ेगी। कौन है वो लड़की? स्टूडेंट है मेरी। सिर्फ स्टूडेंट नहीं थी वो तुम्हारी। काश तुमने सच बोला होता तो आज दुनिया भर के सामने हम रुस्वा नहीं होते। कौन सी सच्चाई आशी? कैसी सच्चाई? कितनी दफा तुम मेरे किरदार की गवाही मांगोगी? गवाही तब मांगी जाती है जब सच अपनी आंखों से ना देखा। तुम्हारी सच्चाई तो सरेआम उस लड़की ने सबके सामने ला के रख दी है। अब उस लड़की ने झूठ बोला है, मेरे लिए वो एक स्टूडेंट से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तभी तुम उसके साथ शॉपिंग मॉल में घूमते रहे। अगर उसकी इतनी अहमियत नहीं है तो फिर वो क्यों कहती फिर रही है कि तुम इस शादी के लिए दिल से राजी नहीं थे? आप ये जानते थे शहजाद साहब? मतलब तुम भी जानती हो? मुझे तो जमील की बातों में कोई सदाकत नहीं लगी थी। वो लड़की इल्जाम लगा रही है हमारी मोमिन पर। हाँ काला, वाह, वो लड़की तो बड़ी होशियार निकली। इल्जाम लगाने के लिए मोमिन के साथ शॉपिंग मॉल पे जा रही, इसके साथ तस्वीरें खिंचा रही थी। वाह आशी, भाई को अपनी सफाई में कुछ कह तो लेने दो। क्या कहेगा ये? हाँ क्या कहेगा? परी, कोई भी लड़की किसी मर्द पर बोहतान नहीं लगा सकती ऐसी। आशी, उससे ज्यादा उस लड़की की बात की अहमियत है तुम्हारे लिए? हाँ, क्योंकि वो लड़की होते हुए उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, सबके सामने ही सच ले आई। जो लड़कियां सात चादरों में अपनी इज्जत छुपा लेती। ये भी फरामोश करती है तुमने कि घर में दो जवान बहनें। नहीं अब्बा, इतना मत गिराए मुझे, इतना मत गिराए मुझे। साबित कर सकते हो कि जो उस लड़की ने कहा है वो झूठ है?
बोलो, जवाब दो, है तुम्हारे पास कोई गवाही, कोई सबूत? मेरा गवाह तो सिर्फ मेरा अल्लाह है। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही भी वही रब देगा। अब्बा, मैंने भी अपना मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया, कभी नाइंसाफी नहीं करेगा वो मेरे साथ। मत भूलो कि जिस लड़की की इज्जत आज सरेआम उछली है, रब उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं करेगा।